पाकिस्तान बौखलाया, घबराया और डरा हुआ है। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की हताशा और निराशा साफ साफ दिख रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर तोड़ा जा रहा है। बुधवार को सूरज डूबने के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने राजौरी जिले के मेंढर और कृष्णा घाटी के इलाके में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग मोर्टार और छोटे हथियार से आ रही थी। भारतीय फौज सरहद पर लगातार पाकिस्तान की हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। देर रात पुंछ के देखवार सेक्टर में भी पाकिस्तान की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। भारतीय फौज ने पाकिस्तान की ओर से आ रही फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। उरी सेक्टर में भी पाकिस्तान ने धुआंधार फायरिंग की। पहाड़ की चोटियों से कभी भी मोर्टार आने लगते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए गाड़ियां तक भेजी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपना घर छोड़ने से मना कर दिया। कोई एक डेढ़ घंटा चलती रही इंटरमिटेंट फायरिंग अक्रॉस द बॉर्डर। इवैक्यूएशन की जहां तक बात है, इवैक्यूएशन हमने कुछ गाड़ियां भेजी हुई थी, एम्बुलेंसेस इनफैक्ट, बट पीपल रिफ्यूज टू कम डाउन। एज सच कोई उतना एस्केलेशन नहीं है टेंशन। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाकिस्तान पिछले दो दिनों से कभी भी फायरिंग शुरू कर देता है। ऐसे धोखेबाज पड़ोसी का इलाज जरूरी है। आज रात 3:30 बजे से फायरिंग जारी है, जो कि 3:30 बजे से लेकर इस टाइम तक हमारे जो बच्चे हैं, औरतें हैं, घर से बाहर भी नहीं निकल सकती हैं। डर बहुत खौफ ज्यादा, मतलब डर है सर कि कब यहाँ इधर शेलिंग जब होती है, छोटी गोली भी हमारे गांव में पड़ती है। पिछले दो दिनों से बौखलाया पाकिस्तान सरहद पर लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। मंगलवार की रात पुंछ, राजौरी, नौशेरा, अखनूर, कृष्णा घाटी और मेंढर समेत 15 इलाकों में पाकिस्तानी रेंजर्स और फौजियों ने मोर्टार दागे। पाकिस्तान लगातार भारतीय इलाकों में बसे गांवों को अपना निशाना बना रहा है। ऐसे में प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे 5 किलोमीटर दायरे में आने वाले स्कूल आज भी बंद रखने के निर्देश दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर आरएसपुरा सेक्टर में हाई अलर्ट है। लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया है। फायरिंग और तनाव को देखते हुए लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर शरण ले रहे हैं। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों से पलायन करने वाले लोगों के रहने के लिए प्रशासन की ओर से कैंप लगाए जा रहे हैं, जिससे उन्हें किसी तरह की कोई खास परेशानी ना हो। दूसरी ओर भारतीय फौज पाकिस्तान की हर हिमाकत का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी निगरानी के साथ भीतरी इलाकों की भी हर छोटी बड़ी हलचल पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। आज तक ब्यूरो।